अभी तक हम एकेडमिक्स में बात कर रहे हैं कि एकेडमिक्स क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हम बात करेंगे स्किल्स पे। अब स्किल्स क्या होती है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कि मैंने जो पढ़ा है उसको क्या मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। एप्लीकेशन सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, इररेस्पेक्टिव आप कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इररेस्पेक्टिव आपकी स्ट्रीम क्या है, इररेस्पेक्टिव आप किस लाइन में जाना चाह रहे हो। अगर आपने अपना पढ़ा हुआ अप्लाई नहीं कर सकते तो आपकी स्किल बेकार है। तो पहले तो मुझे अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई कब आएगा, अप्लाई करना जब आप दिमाग खोलकर बैठेंगे पढ़ने। सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए आप ना पढ़ रहे हो, आप समझने के लिए पढ़ रहे हो, तो नंबर अपने आप आ जाएगा और आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे आगे। और अगर आपने समझ के पढ़ लिया तो कोई कॉम्पिटिशन फिर आपके आगे नहीं आने वाला, ठीक है। तो भैया जो स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो हुई आपकी एप्लीकेबिलिटी, दूसरी हुई आपकी स्किल जिसमें आपका कम्युनिकेशन आता है। अब कम्युनिकेशन आप बोलेंगे कि यार कम्युनिकेशन क्या है, ऐसी है, ठीक है, मैं तो अपनी बात तो कर ही लेता हूं, मैं घर वालों से बात कर लेता हूं, इससे बात कर लेता हूं, उससे बात कर लेता हूं। कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको क्या पता है और आप अगले को क्या बता पा रहे हो, आप ठीक से कम्युनिकेट, या अगला आपकी बात समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्या आप बोल पा रहे हो उस बात को और अगला क्या समझ पा रहा है। ट्रस्ट मी, कोई भी करियर हो आपका, कोई भी करियर, अगर आपके पास बोलने की स्किल है, अपनी बात अगले को समझाने की स्किल है, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी पीछे नहीं रह सकते। एक एग्जांपल बताओ मुझे, जिसके क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, उस बंदे को सिर्फ बोलना आता है और बोल के आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। जोर से, संदीप मंशूरी को आता है यार, सॉरी, नरेंद्र मोदी, भारत का प्राइम मिनिस्टर, क्वालिफिकेशन पता है किसी को, पर बोलने आता है बंदे को, सिर्फ बोलने के दम पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो और कोई करियर है ऑप्शन, और कोई करियर में दिक्कत होगी अगर आपको बोलने आ रहा है तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक चीज बनाई, अगर मैं इसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो इट्स अ वेस्ट। आई बात समझ? तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कैसे होगा, जितना आप स्टेज पे खड़े होगे। आज अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर इतने सारे लोग के सामने बेफिक्री बोल पा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने कल ही रात में बहुत प्रैक्टिस की बोलने की और आज मैं यहां खड़े होकर एकदम बोल पा रहा हूं। ये सॉफ्ट स्किल कहां से आई? क्योंकि मैं क्लास सिक्स से स्टेज पे खड़े होकर डांस कर रहा हूं, स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, जितने डिबेट कॉम्पिटिशन होते थे, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन होते थे, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता था, हर किसी में पार्टिसिपेट किया, इररेस्पेक्टिव कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं, सेकंड आ रहा हूं, थर्ड आ रहा हूं, फोर्थ आ रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं फर्स्ट आ भी जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी स्किल्स डेवलप होती है, एक दिन में नहीं होती है। तो मेरा सजेशन है कि स्कूल में कुछ भी हो रहा हो, स्कूल में चाहे स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे कोई भी कंपटीशन पार्टिसिपेट करो, भले डायनासोर की जगह चूहा बने, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। क्या होगा उससे? दो चीजें होंगी, पहले आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, दूसरा आपको दुनियादारी समझ में आएगी, तीसरा आपको अपनी औकात समझ में आएगी कि भैया मैं कहां हूं, ठीक है, और कुछ होना हो इतना तो समझ में आ जाएगा। और जब यह समझ में आएगा तो आपको पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जब आप स्किल्स की हम बात कर रहे हैं तो स्किल आपका तब इंप्रूव होगा जब आप हर चीज में पार्टिसिपेट करोगे। तो आज की डेट में पिछले दो साल से मेरी ये कंपनी है, मैंने फॉर्म की है, खुद से डेवलप कर रहा हूं, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो सबसे पहली और सबसे मेजर कहानी जो संतोष सर बोल के गए कि आपके दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे मंजिल पता होनी चाहिए, रास्ते बन जाएंगे। तो जब मैं अपने इंजीनियरिंग में ही था तब मुझे पता था कि यार मुझे जॉब तो मुझसे ना हो पाएगी, या मैं करना ही नहीं चाहता जॉब, मुझे बिजनेस करना है।
ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा बैकग्राउंड पे है, हमेशा। इससे फायदा क्या होता है ये भी बताता हूं आपको। तो जब बैकग्राउंड में ये चीज है, मैं जब जॉब कर रहा हूं, तो जब मैं जॉब करने के लिए मार्केट में निकल रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट को रिक्वायरमेंट क्या है। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एकदम से एक दिन उठा मैं बोला यार आज तो मैं जॉब करूंगा, आज से या आज से मैं बिजनेस करूंगा, जॉब वॉब छोड़ दूंगा। प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने ये बोला कि मैं जॉब तो कर ही रहा हूं, बट मेरे बैकग्राउंड में ये कि मुझे बिजनेस करना है, तो मेरा दिमाग, मैं इनसे बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये प्रॉब्लम कहां है, मुझे कहां काम करना है। वहां से निकल के आया करियर इनोवा का आइडिया। तो मैं एक एजुकेशन कंपनी में काम किया मैंने 3 साल एज ए एरिया मैनेजर, और वहां पर मेरा काम था सिर्फ प्रिंसिपल और डायरेक्टर से मिलना स्कूल में। और जब मैं उनसे मिलता, बात करता, समझने की कोशिश करता, तो मुझे समझ में आया कि यार ये बहुत बड़ा स्कोप है और यहाँ पे लोग नहीं है जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज पे काम करना चाहिए। हालांकि स्कोप आज भी नहीं है, आज भी लोग नहीं चाहते कि अरे हमें तो सब पता है, हम तो मास्टर हैं, कौन करियर काउंसलर ये क्या बताएगा। हमारे चाचा, नाना, मामा, काका, ताया, बड़े भैया, बड़े भैया के बड़े भैया, बड़े भैया का दोस्त, उसको ज्यादा पता है, उससे पूछ लेते हैं, वो भी एक काउंसलर है क्योंकि उसने कुछ किया है। अब जिसने कुछ किया है उसको उस फील्ड के बारे में पता है, उसको बाकी फील्ड के बारे में नहीं पता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्किल्स पे अपने को काम करना सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपके 70% भी आ रहे हैं, सॉरी सर, बट अगर आपके 70% भी आ रहे हैं और आपने स्किल्स पे काम किया है, तो आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि 90% वाला ही अच्छा करियर बनाता है। और अगर आपके 95% है और अगर आपने स्किल पे काम नहीं किया, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, लिख के ले लो आज के डेट में। अगर किसी का फैमिली बिजनेस हो, बिजनेस तो छोड़ो दूर की बात है, किसी के घर में अगर बाई आती हो, महीने में अगर वो 15 दिन आएगी, 15 दिन नहीं आएगी और बहुत गंदा काम करके जाएगी, कितने लोग रखना चाहेंगे उसे आगे? आप 1000-1200 रुपए उसे महीना देते हो, कितने लोग रखना चाहेंगे उस भाई को? आप पहले बोलोगे कि यार एक काम कर, तू या तो काम ठीक से कर या तो नमस्कार। जिनका खुद का बिजनेस है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर लड़के रखे हुए हैं दुकान में और वो काम नहीं कर रहे हैं, कस्टमर आके खड़ा है और वो गेम खेल रहा है मोबाइल में, और अचानक से मालिक आके देख लिया, बोले नहीं नहीं तू गेम खेल, मैं देख लूंगा, रखेंगे कोई? एक टीचर है स्कूल में, अगर वो उतना डेडिकेशन नहीं दिखा रही है जितना दिखाना चाहिए, तो एक प्रिंसिपल भी सोचेगा कि इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक बोला मैम? तो आपकी अगर स्किल है तो आप करोगे, विच इज वेरी सर्टेन, नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, नमस्कार हो जाएगा।